अगर कॉमेडी का कोई डांस फॉर्म होता तो आप उसे क्या कहते? तगड़दुम्बा। अपने ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर से कॉमेडी का खंभा गाड़ने आ रहे हैं मुंबई सा मुलगा नितेश शेट्टी। वैसा देखते देखते शो सेमीफाइनल तक भी पहुंच गया। क्या बात, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग शो। और लेकिन शेखर जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेरे को अंदर से खबर मिला है आप तो फाइनल तक है। वैसा अर्चना जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मैं सुने फाइनल के बाद जो टीवी पे आने वाले आप उसमें भी है। आजकल मैंने देखा है सैटरडे संडे घर पे लोग खाना पकाता ही नहीं है, क्यों? सीधा वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं टोमेटो से। इसलिए देखो आजकल रस्ते पे वो 5-5 फीट का लड़का लोग 7-7 फीट का बैग लेके घूम रहे। येलो का जमावड़ा दिखेगा डायरेक्ट होटल के काउंटर के बाहर, ऐसा फुल झुंड लेके बैठते रहे लोग लाल टी शर्ट पहन के, और सबका सब ये लोग मोबाइल देख रहे हैं। और ये लोग मोबाइल में देखता क्या है? पिक पॉक वीडियोस। और ये लोगों हीरो लोगों देखो जब ये लोग डिलीवरी के लिए भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले ऐसा बाइक पे बैठेगा और सबसे पहला हेलमेट पहनेगा, सर का नहीं हाथ का। उसके बाद पेट्रोल भरेगा, बाइक का नहीं अपने बॉडी का। क्या ऑब्जर्वेशन है? उसके बाद वो ऐसा बाइक चलाएगा जैसे कि वो वीडियो गेम खेल रहे विथ वन लाइफ। इसको लगता है अगर मैं ऐसा स्लो चलाया ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ये लोगों सिग्नल में देखो, सिग्नल में उधर जाके खड़ा रहेगा, उधर इसको लगता है ग्रीन मतलब बाकी लोग जाने का, रेड रहेगा तो मतलब मैं जाने का। और ये लोग देखो जब डिलीवरी भी देने जाते हैं ना जो एरिया में लोग पहुंचते हैं वहां भी देखो ऐसा बैग लेके ये लोग उधर चालू हो जाएगा, लोकेशन पे पहुंच गया। वॉचमैन ये गीत गोविंद बिल्डिंग किधर है? पार्सल लेके आया है, साबूदाना पिज्जा है। अभी देखो ये इधर डिलीवरी दे रहे लेकिन कान में इसका एक हेडफोन लगा रहता है, जहाँ साइड बाय साइड अपने गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहा है। हाँ रेशमा क्या बोल रही तेरे तू? हाँ यू लव टू मी नो? फिर वो काई के लोग फैजान से 2-2 बजे तक बात करती है। कौन बोला तेरा फैजान का वो दुबई में बिजनेस है? अरे नहीं नहीं उधर वो शेख लोग का ऊंट नहीं लाता है। हाँ देख तू मेरे से शादी कर, तेरे को 1 साल में 2 बच्चा देगा मैं। क्या क्या कैसे देगा? अरे मेरा डिलीवरी का काम है। लेकिन कुछ लोगों का पार्सल मंगाना पसंद नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं फाइन डाइन होटल में जाते हैं, ऐसा फैमिली और रूफ टॉप होटल जिधर ऊपर से ऐसा पूरा समुंदर दिखता है। ऐसा होटल का नाम भी देखो क्या रहेगा? द मैंडेरियन याचा याचा। ऐसा ये चाइनीज का होटल है लेकिन अंदर जो किचन में हक्का नूडल्स बना रहे ना वो खुद अमरावती से। मैंने देखा ऐसा सब महंगा होटल में जाओ, ये लोग ने नींबू शरबत का भी नाम क्या रखा है मालूम है क्या? वर्जिन मोहितो। ऐसा महंगा होटल का रिसेप्शन में जाओ, उधर देखो ऐसा कड़का सा एक लड़का खड़ा रहेगा, फुल बाल में जेल वेल लगा के, ऐसा उसके हाथ में टैब रहेगा। जैसे कोई कस्टमर ऐसे चाहता है, सर मे हैव योर बर्थ ऑफ डेट प्लीज? काई के लिए चाहिए आप लोगों को? एक्चुअली सर वी आर गिविंग अ प्लैटिनम मेंबरशिप कार्ड, सो लाइक वेन एवर यू कम हियर फॉर डिनर नो यू गेट 100 points एंड वेन यू रीच 10,000 points योर फुल फैमिली एनी वेनेसडे बिटवीन 7:30 to 9:30 विल गेट फ्री पापड़। ऐसा सब महंगे होटल में जाओ आप, ऐसा एंट्री लो ना
अंदर एक पूरा अंधेरा रहेगा और वही अंधेरे में कैसे तुम आदमी मेनू ला के देगा। ये लोग आप मेनू पढ़ो, देख के मालूम पड़ता है बाप रे ये लोग के पास तो चार टाइप का खाली पानी है। फिर उसका पीछे वाला पेज देखो, पीछे वाला पेज में लिखा है मेन कोर्स, उसके ऊपर लिखा है बटर चिकन, उसके नीचे चार लाइन का डिस्क्रिप्शन, इट्स अ फ्रेशली टेंडर चिकन फ्रॉम द फार्म्स ऑफ कंट्री साइड, टॉस इन द इटालियन मैरिनारा सॉस, सर्व्ड इन द इंटरलाकिन स्विस बटर। वो पढ़ के ऐसा लगता है कि अगर ये चिकन जिंदा रहता तो अपना तारीफ सुन के रो देता है। और देखो ऐसा होता है महंगे होटल में जब डिश भी आता है ना तो फैमिली में से कोई एक आदमी रहेगा वैसा, ए एक मिनट एक फोन हाथ नहीं लगेगा, एक मिनट मिनट पापा नीचे रख एक मिनट। अभी डालते सस्ताग्राम में हैशटैग मंडेरियन याचा याचा हैविंग चाइनीज फूड विद मम्मी डैडी एंड चाचा। और ये लोग खाना लेके भी गए साथ है, एक बहुत बड़ा प्लेट में इतना सा चावल रख के लेके आएगा ऐसा। इससे ज्यादा चावल तो हम लोग किचन के खिड़की में रखते हैं कौवे के लिए। और देखो वीकेंड में सस्ता होटल के बाहर इतना भीड़ रहते हैं, पब्लिक सब ऐसा खड़ा रहते हैं वेटिंग वेटिंग में, उधर कुछ लोग ऐसा सेटिंग लगा करता है अन्ना हम लोग देखो ना चार लोग है। लेकिन कुछ फैमिली वाला देखो ऐसा खड़ा रहेगा, वो लोग बैठ के उधर देखते रहते बाहर से कि कौन खाली हो गया। वो लोग में से एक आदमी ऐसा घूमता रहेगा वो लोग हो गया। चार लोग को फिंगर बॉल दिए हो गया। अभी उठेगा वो लोग तो बाजू वाला बोलते हैं, ए हो गया नहीं एडे चालू हो रहे, वो फिंगर बाउल नहीं है 2x4 मंचा सूप है। और देखो ऐसा सस्ते होटल में कुछ लोग फुकट में भी खाने के लिए आते हैं, फूड ब्लॉगर लोग, वो लोग भी किधर भी घुस के चालू, हाय दोस्तों आज इधर आया अपन मनोरंजन प्योर वेज होटल में, आज अपन यहाँ पीने वाले गंगा जमुना जूस, तो सर आपका गंगा जमुना चालू करो। अभी ये जूस वाला लोग भी बहुत शाना रहता, नॉर्मल दिन देखो ऐसा जूस बनाएगा, लेकिन जैसे कोई फूड ब्लॉगर दिखा अभी देखो कुछ लोग को ऐसा होटल भी जाने का पसंद नहीं रहता, ये लोग क्या करते घर पे खाना बनाते। आजकल मैंने देखा है किसके पास कुछ भी काम नहीं है ना वो ऑनलाइन कुकिंग चैनल खोलते उधर बैठ के। हाय फ्रेंड्स मधुरी माहिया। आप देखो सबसे बड़ा मजा आता है ना जब ये लोग ये बनाते हैं अपना नॉनवेज डिश। हाय फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपना फिश टिक्का, लेकिन जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त लोग हैं वो इसको पनीर के साथ भी बना सकते हैं। दूसरा दिन हाय फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ मटन बिरयानी, जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त लोग हैं वो इसमें पनीर के साथ भी बना सकते हैं। हाय फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचाओ सूप, और जो हमारे वेजिटेरियन दोस्त लोग हैं एक बार नॉनवेज चक्के देखो कितना मस्त लगता है, कब तक पनीर खाएगा। कुछ लोग ये सब रेसिपी के लिए देखते हैं कुकरी शो, लेकिन मैं देखते हैं बर्तन के लिए। क्या सॉलिड सॉलिड बर्तन है, वो लोग का मिक्सर देखो आप ऐसा डालेगा चटनी हो गया पतला। लेकिन यही अपना घर का मिक्सर में देखो आप कुछ डालो, अरे ज्यादा हो गया ज्यादा हो गया ज्यादा ज्यादा हो गया छोटा है छोटा। वो लोग का कुकर भी देखो एक सीटी में चावल पकड़ डालते था, लेकिन यही अपना घर का कुकर देखो इसमें चावल रखो उसका आधा घंटा कुछ अलग ही चल रहा है। फिर उसको अंदर से खोलो तो इतना बड़ा चावल का केक निकलता है, फिर उसमें समझ जाता है इसमें दाल डालने के क्या कैंडल लगाने के। और लास्ट में वो लोग जो फुकट लोग रहते हैं वो लोग किधर भी नहीं बनाते, वो लोग सोचते मेरे को कोई पार्टी में बुलाए तो वहां जाके मेरे को फुकट में थोड़ा मिलेगा खाने के लिए। पार्टी में जाके लोगों को मालूम पड़ता है अरे बाप रे इधर खाना तो 9:30 से, मतलब 7:30 से 9:30 तो वो करना पड़ेगा क्या तुम्बा तुम्बा
Nitesh, what a fabulous performance. Thank you. तुम्हारे observations इतने minute हैं, इतने बारीक हैं, इतने महीन हैं और इतने ज़हीन हैं. I think ऐसे लोग जब semi-finals का हिस्सा बनते हैं, तो I can imagine कि final कहाँ जाने वाला है. वो बहुत बढ़िया तुमने किया है, and we are also proud to have you on the semi-finals, and you're going to be part of the finals. Take it from me. Thank you. Thank you. एक होती है ऑब्जर्वेशन जो सब करते हैं, एक होती है नितेश शेट्टी की ऑब्जर्वेशन. सो माइन्यूट, सो परफेक्ट. आपने जगह बनाई है इस मंच पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दिलों में. बिग सैल्यूट टू यू. यस, थैंक यू सर, थैंक यू. आप कॉमेडी कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की टॉप हो. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.